भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार को मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने कंकरखेड़ा में किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। कर्नाटक में हुआ हमला सोची समझी साजिश थी। दिल्ली में विपिन रावत जी के घर पर भी हत्या कराने की योजना थी। वहां दिल्ली पुलिस ने दूसरे गेट से हमें निकाला था। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह समय आपस में उलझने का नहीं है। सरकार तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। सरकार चाहती है कि संगठन का विघटन किया जाए। आज कार्यकर्ता और किसान हमला करने की स्थिति में नहीं बल्कि बचाव की मुद्रा में है। टिकैत परिवार हमेशा ही मजबूती से किसानों की आवाज़ उठाता रहा है, आगे भी आवाज़ उठाई जाएगी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बाद नरेश टिकैत किसानों की सेवा में आ गए। टिकैत परिवार पीछे नहीं हटेगा।